सोलन के युवा चिट्टे की चपेट में आते जा रहे हैं, क्योंकि चिट्टा एक महंगा नशा है, इसलिए इसकी गिरफ्त में ज्यादातर रईस जादे ही आते हैं, जो महंगा नशा करना अपनी शान समझते हैं। आज भी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ऐसे ही दो युवाओं को रिवोन से चिट्टे की खेप के साथ हिरासत में लिया है। जो सोलन के जाने माने परिवारों से हैं, ये दोनों ही एक लग्जरी गाड़ी में सवार थे। उन्हें पुलिस ने रोका और उनकी गाड़ी की कई बार तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस के हाथ नशे की खेप नहीं लगी। अंत में सीट बेल्ट के समीप लगे बॉक्स की जब तलाशी ली गई, तो उसमें से हेरोइन बरामद हो गई। पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में लिया। अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी सोलन योगेश दत्त जोशी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि दो युवा लग्जरी गाड़ी में आ रहे हैं और उनके पास नशे की खेप है। पुलिस ने अपना जाल बिछाया और रवोन बाईपास पर उन्हें धर दबोचा। उनके पास से 13.73 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। फिलहाल दोनों युवक, जो अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। ज्वाला जी के अधीन पड़ने वाली एक पंचायत के प्रधान पर उक्त क्षेत्र की ही रहने वाली एक महिला ने संगीन आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उप प्रधान ने उसके घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकतें की। डीएसपी तिलकराज ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले को लेकर धारा 452, 454 ए, 504 व 506 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला बीते 18 जून शाम के समय का है। इस संबंध में महिला ने थाना ज्वालाजी में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसके पति का उसके साथ तलाक हो गया है और वह अपने बच्चों सहित अपने माता पिता के घर में रहती है। महिला का आरोप है कि 18 जून को शाम को 6 बजे के करीब जब वह घर में अकेली थी, तो पंचायत प्रधान जबरदस्ती उसके घर में घुस गया व उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। महिला का आरोप है कि इस बीच प्रधान ने उसके साथ हाथापाई भी की और उसके कपड़े तक भी फाड़ दिए। महिला का कहना है कि इस बीच उसने अपने बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, तभी उनकी माता यहां घर पर पहुंच गई व उसे देख पंचायत प्रधान यहां से रफू चक्कर हो गया। साथ ही इस मामले को लेकर जाति बार प्रधान उसे व उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर गया। यही नहीं, महिला ने पंचायत प्रधान पर आरोप लगाया है कि वह इससे पहले भी कई बार उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुका है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पंचायत प्रधान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा है। साथ ही उसे बेवजह बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, ऐसा प्रधान का कहना है। बहरहाल पुलिस इस मामले में सभी के बयान दर्ज कर रही है, साथ ही मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। ज्वालामुखी मंदिर में आज रात को ज्वाला माँ का प्रकटोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज ज्वालामुखी मंदिर में पुजारी सभा, स्थानीय लोगों व बाहरी राज्यों से आए हुए श्रद्धालुओं ने माँ ज्वाला के प्रकटोत्सव के अवसर पर विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग माँ ज्वाला को लगाया और सभी भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा गया। इस अवसर पर पुजारी अभिनंदन शर्मा ने बताया कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष के अष्टमी की रात को माँ ज्वाला का प्रकटोत्सव हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और कल पुजारी सभा के तरफ से एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब से आए हुए श्रद्धालुओं ने ज्वाला माँ के प्रकटोत्सव के अवसर पर केक भी काटा और हैप्पी बर्थडे ज्वाला माँ के जयकारे भी लगाए गए।